हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट नितिन में। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हो गए आपकी सेवा में लेकर एक जड़ से मकान जो कि इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों हमारा जमीन के साथ रहेगा, जिसमें जमीन आपकी रहेगी, छत भी आपकी रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हमेशा अपने चैनल पर एक इंडिपेंडेंट हाउस हमेशा आपको दिखाता रहता हूँ, छोटा हो चाहे बड़ा हो, महंगा हो या सस्ता हो, आपके बजट के अंदर हमेशा आपको दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था, अभी हम कुछ टाइम पहले एक 60 गज का मकान आपके लिए लेकर आए थे, जो कि बेहद खूबसूरत लग्जरी बना हुआ था, बहुत जल्दी सेल हो गया। सेम बिल्कुल डिट्टो उसी डिजाइन में आपको जो है बेहद खूबसूरत नक्शे के हिसाब से बनाया हुआ न्यूली बिल्ट न्यूली कंस्ट्रक्शन जड़ से मकान एक बार फिर से दिखाने वाले हैं, जिसमें आपको 20 फीट की रोड दोस्तों मिलेगी। यहाँ पे देखिए, काफी वाइड रोड आपको जो है यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएगी। प्रॉपर्टी ये रजिस्टर्ड रहेगी, लोनेबल रहेगी, फ्री होल्ड रहेगी। दोस्तों, सीवरेज यहाँ पर आपको जो है डले हुए मिल जाएंगे। तो हॉस्पिटल्स, बैंक, ATM, जिम, स्कूल, मार्केट, सारी फैसिलिटीज आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको दिल्ली रोड का वाटर का कनेक्शन मिल जाएगा, सीवरेज कनेक्शन मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल जाएगा दोस्तों, IGL से गैस पाइपलाइन का कनेक्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने वाली बिल्डिंग ऑलरेडी यहाँ पर गैस जो लाइन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, तो फैसिलिटी सारी मिल जाएगी। ये हमारा 60 गज का जड़ से मकान रहने वाला है, काफी खूबसूरत लग्जूरियस ये जो इंडिपेंडेंट हाउस आपको आज मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको फैसिलिटी सारी मिल जाती है दोस्तों, बेहद खूबसूरत बना हुआ है। नीचे इसमें आपको इंटरकॉम की फैसिलिटीज भी यहाँ पर मिल जाती है, प्लस यहाँ पर नीचे जो हमारा चबूतरा रहने वाला है, तो यहाँ पर चौकी आपको मिलती है जिसमें टाइल वर्क मिलेगा, और आपकी गाड़ी पार्किंग के लिए आपको जो है यहाँ पर रैम वर्क मिलेगा ग्रेनाइट मार्बल के साथ, प्लस यहाँ पर 2 स्टेप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ग्रेनाइट मार्बल के साथ, और यहाँ काफी बड़ा डिजाइनर आपको जो है डबल शटर का एक डोर मिलेगा, जिसमें सिंगल शटर भी आपको मिल जाएगा। और अब देख लेते हैं इसकी एलिवेशन पे एक बार नजर मारिए, तो बेहद खूबसूरत गुड लुकिंग आपको जो है एलिवेशन यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। साइडों में डिजाइनर टाइल्स के साथ आपको जो है फोकस लैंप का वर्क दिया गया है, जिसमें आपकी जो है ये एलिवेशन काफी खूबसूरत नजर आती है आपको, जिसमें आपको फोकस लैंप का वर्क मिल जाता है, बालकनी में भी लाइट का वर्क मिल जाता है, ग्रिल आपको मिल जाती है आयरन की। और उसके बाद दोस्तों नीचे के पोर्शन में तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर आपको जो है आयरन का गेट मिलता है, प्लस टाइल वर्क आप देखेंगे तो काफी अच्छा खूबसूरत कॉम्बिनेशन दोस्तों आपको टाइल वर्क में देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हाउस ये अंदर से कैसा रहता है दोस्तों। जैसा हाउस आपने कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो डाली थी देखा था, डिटो बिल्कुल सेम उसी नक्शे में दोस्तों प्यार किया। ये हमारा जो है 60 गज का इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों आपको दिखा रहे हैं, आइए अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं आपको हाउस। तो दोस्तों अभी ये हाउस के अंदर आ चुके हैं, सबसे पहले आपको काफी अच्छा वाइड पार्किंग एरिया मिलता है दोस्तों, यहाँ पर ग्रेनाइट मार्बल का वर्क है फ्लोरिंग में दोस्तों, काफी वाइड हमारी पार्किंग रहने वाली है, बड़ी गाड़ी के लिए पार्किंग दोस्तों बनाई गई है। 60 गज का एरिया है, काफी अच्छा स्पेस निकल के आ जाता है 60 गज के अंदर, जिसमें आपको 2 BHK ऊपर के पोर्शन में देखने मिल जाता है, नीचे 1 BHK मिलता है, नीचे आपका 1 रूम सेट किचन बाथरूम आपको और एक हॉल मिलेगा दोस्तों, और एक कार पार्किंग मिलेगी। देन ऊपर की साइड में आपको 2 BHK 2 रूम का सेट, एक हॉल और किचन और बाथरूम, ये सब देखने को मिलेगा, प्लस आपकी बालकनी में मिल जाएगी। पहले नीचे का पोर्शन देख लेते हैं, ये पार्किंग का ऑप्शन है, टाइल वर्क पूरा आप देखेंगे तो यहाँ पर 4.5 फीट की हाइट तक टाइल वर्क कंप्लीट है। नीचे जो हमारी स्टेयर रहने वाली है, स्टेयर के नीचे भी सारा टाइल वर्क कंप्लीट मिलेगा, सबमर्सिबल आपको ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड मिल जाता है, दिल्ली जल बोर्ड के वाटर कनेक्शन वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों। इधर सारा जो है मोटर सेंक्शन आपका इस पोर्शन में आ जाएगा। पार्किंग के अंदर भी फॉल सीलिंग का डिजाइन आपको मिलता है दोस्तों, जिसमें आपको LED और कॉबलाइट का वर्क मिलेगा, LED यहाँ पर व्हाइट कलर में रहेगी, कॉबलाइट ब्लू कलर में। इस साइड से हमारी सबसे पहले साइड से डिजाइनिंग की गई है कि आपका इस पोर्शन को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है, जो रेजिडेंस आपका रहेगा। यहाँ से आपकी स्टेयर दी गई है, 3 फीट चौड़ी आपको स्टेयर मिल जाती है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें SS की ग्रिल अभी लगना बाकी है दोस्तों। इसमें जो है 95% जो है काम कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग भी हो चुकी है, बस इसमें अभी SS की ग्रिल वगैरह लगनी बाकी है, थोड़ी सी क्लीनिंग हो जाएगी। ये हाउस देखने में बहुत खूबसूरत लगने वाला है दोस्तों, ऐसे हाउस बहुत कम दोस्तों देखने को मिलते हैं हमारे चैनल पर। SS की ग्रिल का वर्क मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आपका यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ से सारी आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पूरी ऑपरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक विंडो मिल जाती है, जहाँ पर आपका हॉल रहने वाला है, बेडरूम के साथ एक हॉल मिलेगा, यहाँ वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिलती है, AC चाहे तो आप अपना विंडो AC भी लगा सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी रेजिडेंस की तरफ, तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो 7.5 फीट की हाइट तक यहाँ पर एक डोर मिलता है, जिसमें आपको बहुत सही माइका वर्क मिलेगा, फ्रंट पे भी माइका, बैक साइड में भी, और लेमिनेशन आप देख रहे हैं कि लेमिनेटेड डोर रहने वाले, लेमिनेशन चढ़ी हुई है, तो फिनिशिंग भी काफी अच्छी रहने वाली है, और जो डोर फ्रेम रहेंगे सारे MS के दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं सबसे पहले अपने लिविंग एरिया के अंदर, तो लिविंग एरिया काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है, डायमेंशन अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, इसकी डायमेंशन भी दोस्तों हमने दी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल कवर मिलेगा, नीचे जो सारी टाइल्स रहने वाली है ग्रे और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में रहने वाली है, सारी हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल कवर मिलेगा। यहाँ पर आप अपना एल कॉर्नर का सोफा सेट लगा सकते हैं, डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, तो काफी स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको इस पोर्शन में किचन मिल जाती है, किचन पे एक बार नजर लगाइए तो किचन काफी खूबसूरत आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलती है। ये हमारी किचन रहने वाली है, चिमनी यहाँ पर आपको हम अपना ब्रांडेड कंपनी का लगाकर देंगे, इस पोर्शन में चिमनी का स्पेस है दोस्तों, सारे बॉक्सेस आपके जो है यहाँ पर बने हुए, नीचे आटा बास्केट, प्लेट बास्केट, कटलरी बास्केट,
सारा आपको पोर्शन यहाँ पर रेडी टू मूव मिलता है दोस्तों, पूरा हाउस रेडी टू मूव रहने वाला है और काफी अच्छा जो है इंटीरियर वर्क इसका आपको देखने को मिलेगा। देन इंटरकॉम की फैसिलिटी की मैंने आपको बात करी तो यहाँ पर आपकी इंटरकॉम आपको मिल जाती है, तो यहाँ से अपना मेन डोर भी ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बर्तन धोने के लिए एक सिंक मिल जाता है स्टील का दोस्तों, सामने जो टैप्स होंगे टैप्स सारे ब्रांडेड कंपनी के लगाकर दिए जाएंगे और सेम टाइल्स आपको यहाँ पर भी जो फ्लोरिंग में लगाई गई है सेम टाइल्स आपके यहाँ पर इस पोर्शन में भी देखने को मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पर एक बाथरूम दे दिया गया दोस्तों, नीचे के पोर्शन में इस साइड आते हैं तो यहाँ पर एक बाथरूम आपको मिलता है जिसमें साइड जो साइडों में आप देखेंगे तो एंड टू एंड हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल का वर्क मिलेगा दोस्तों इस पोर्शन में, और नीचे भी आपको कलरफुल टाइलिंग वर्क मिलता है दोस्तों। यहाँ पर इंग्लिश पॉट इंडियन पॉट जैसा आप चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी से भी लगवा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर सारे टैप टूटी शावर्स वगैरह जो होंगे सारे ब्रांडेड कंपनी के लगाकर देंगे, गीजर के पॉइंट की फिटिंग भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं रूम की, तो रूम से पहले आप अपनी यहाँ पर डिजाइनिंग जो फॉल सीलिंग है वो देख लीजिए, यहाँ पर फॉल सीलिंग का डिजाइन आपको इस पोर्शन में मिल जाता है जो कि हमारे हॉल के अंदर रहने वाला है। एलईडी और कोबलेट का वर्क मिलेगा, एलईडी येलो कलर में रहेगी यहाँ पर और कोबलेट जो है येलो और ब्लू कलर में रहेगी। अब यहाँ से आते हैं रूम में, रूम हमारा काफी खूबसूरत स्पेशियस रहेगा दोस्तों, इसकी डायमेंशन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, काफी अच्छा स्पेशियस मकान रहने वाला है, लेंथ भी अच्छी है और इसकी वेथ भी अच्छी है दोस्तों। वॉलपेपर का वर्क आपको इस वॉल पर मिल जाता है जहाँ आपका डबल बेड आने वाला है दोस्तों इस पोर्शन में, और यहाँ पर आपको स्प्लिट एसी के प्रोविजन की फिटिंग मिल जाती है, यहाँ पर आप अपना स्प्लिट एसी लगा सकते हैं, ये सारी फिटिंग जो है अंडरग्राउंड ही रहने वाली है। देन ऊपर फॉल सीलिंग का वर्क मिलता है दोस्तों, देखिए फॉल सीलिंग का वर्क मिलता है, पूरी जो इसमें एलईडी यूज की गई है वो येलो कलर में रहने वाली है, कोवलाइट भी येलो कलर में रहेगी दोस्तों, डिजाइनर फॉल सीलिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। प्लस सामने बिल्कुल ठीक जहां आपका बेडरूम रहेगा बिल्कुल ठीक सामने आपको यहाँ पर एक टीवी पैनल मिल जाता है, दो शेल्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं, कोई डेकोरेटिव आइटम रखना चाहते हैं उसके लिए शेल्स बनाए गए हैं, नीचे दो बॉक्सेस मिल जाते हैं कोई सामान रखना चाहते हैं तो उसकी जगह आपको मिल जाती है। देन उसके बाद अलमीरा वर्क भी आपको मिलता है, काफी अच्छी बड़ी अलमीरा आपको मिल जाती है दोस्तों, देखिए इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं ऊंचाई की बात करूं तो काफी अच्छी हाइट इसकी जाने वाली है, 9.5 फीट की हाइट है इस अलमीरा की, और डीप देखिए तो यहाँ पर 2.5 फीट डीप अंदर जो गहरी रहने वाली है वो 2.5 फीट गहरी रहने वाली है, स्पेस की कमी नहीं है। नीचे आपको शू रैक भी मिल जाता है, इस पोर्शन में आपके शूज भी आ जाएंगे, तो इसके लिए एक ड्रॉअर बनाया गया है, तो यहाँ पर आप अपने शूज रखना चाहते हैं या कोई भी आइटम रखना चाहते हैं अपनी मर्जी से रख सकते हैं दोस्तों। काफी अच्छा स्पेशियस मकान है, आप जब यहाँ पर आकर शिफ्ट होंगे तो इस स्पेस को कैसे यूटिलाइज करना है वो आप अपनी मर्जी से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सिर्फ नीचे का पोर्शन है दोस्तों, अब मैं आपको ऊपर के पोर्शन दिखाता हूँ जहां पर आपको 2 BHK दो बेडरूम किचन हॉल आपको मिलेगा दोस्तों, टीवी वगैरह पैनल लगे होंगे दोस्तों, अलमीरा वर्क मिलेगा, उसके बाद आपको फॉल सीलिंग का डिजाइन मिल जाएगा, बालकनी मिल जाएगी। देन रूफ के ऊपर भी काफी अच्छा डिजाइन रहने वाला है, सारी टाइल वर्क से कंप्लीट की हुई आपको रूफ मिलेगी। चलिए ऊपर चलते हैं और इसका जो प्राइस है वो भी आपको बताता हूँ, काफी अच्छा रीजनेबल प्राइस आपको मिलेगा। और दिल्ली के लोकेशन में जो लोग अपना मकान ढूंढ रहे हैं, खास करके वेल डिजाइनेड अगर ढूंढ रहे हैं कि अच्छा खूबसूरत मकान मिले, तो ये वीडियो उनके लिए रहने वाली है। अगर आपके काम की नहीं है फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि मजबूत और सुंदर स्पेशियस मकान 2 मंजिला लेने का किसी का सपना जो है पूरा हो सके। आइए ऊपर चलते हैं, ऊपर से हाउस आपको दिखाते हैं। सो दोस्तों घूमते हुए यू टर्न करते हुए अपनी रूफ की तरफ आते हैं तो पहली मंजिल पर हम लोग पहुंच जाते हैं, यहाँ से स्टेयर आपकी जो है पूरी रूफ तक जाएगी, जिसमें आपको जो है साइडों में मैंने बता दिया कि आपको ग्रिल लगी हुई मिलेगी। ऊपर का जो पोर्शन है पूरा सेपरेट रहने वाला है, यहाँ से इस पोर्शन को पूरा सेपरेट रखा गया है, नीचे का पोर्शन अलग रहेगा और ऊपर का पोर्शन बिल्कुल अलग रहेगा, सेपरेट रहेगा स्टेयर, क्योंकि इसकी आउटसाइड से दी गई है दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी के सारी MCBs आपको यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों, जो कि फिलिप्स की लगी, आप देखेंगे एक बार नजर लगवाइए पास से, एक बार जूम करके दिखाइए, जो कि फिलिप्स की सारी जो है आपको यहाँ पर MCB देखने मिलेगी, सारा ब्रांडेड कंपनी का काम आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, कोई लोकल नहीं रहने वाला है। इस साइड में आपका जो डोर मिलता है सेम वही बहुत साइड माइक कवर के साथ मिलेगा, लेमिनेटेड डोर रहने वाला है और जो डोर फ्रेम होंगे वो सारे के सारे हमारे MSK ही रहने वाले हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर अपने हॉल के अंदर दोस्तों, तो देखिए जितना हॉल आपका नीचे के पोर्शन में रहने वाला है तो ये उससे थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है, यहाँ पर कम से कम आपको जो है 3 फीट बड़ा ये लिविंग एरिया आपको मिल जाता है, डबल साइड अपना यहाँ पर इस साइड में और इस साइड में दोनों साइड में आप अपना एल कॉर्नर का सोफा सेट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, काफी स्पेशियस है और बिल्कुल यहाँ पर आप अपना कोई अगर टीवी यहाँ लगाना चाहते हैं यहाँ लगा सकते हैं, वैसे तो हमने इस पोर्शन में टीवी पैनल दिया है तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वुडन का टीवी पैनल मिल जाता है, दो बॉक्स नीचे मिलते हैं, दो शेल्स यहाँ पर मिलते हैं डेकोरेटिव आइटम के लिए दोस्तों, लेमिनेटेड है। और उसके बाद यहाँ पर बेहद खूबसूरत फ्लावर वॉलपेपर आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि बेहद खूबसूरत रहने वाला है, जो है वॉल पर डिजाइनिंग इसी काफी खूबसूरत लग रही है क्योंकि अंदर का जो डिजाइनिंग है दोस्तों वो थोड़ा सा गोल्डन शेड में रखा गया है, इसको गोल्डन हाउस बनाया गया है क्योंकि फ्लोरिंग में भी आप देखेंगे तो गोल्डन शेड में ही आपको जो है सारी टाइल वर्क देखने को मिलेगी जो कि हाई ग्लोसी विट्रीफाइड 2x4 की टाइल आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी, गोल्डन कलर का आपको यहाँ पर शेड मिलेगा दोस्तों वॉलपेपर का, प्लस ऊपर भी लाइटिंग सारी जो है येलो कलर में रहेगी जिससे कि गोल्डन कलर का शेड रहने वाला है, गोल्डन हाउस हमने बनाया है इसमें यहाँ पर, जिसमें आपको कोबलाइट जो देखेंगे वो येलो कलर में रहने वाली है और एलईडी यहाँ पर आपकी येलो कलर में ही दोस्तों देखने को मिलेगी। इस पोर्शन में एक बाथरूम बना दिया गया दोस्तों, यहाँ पर आपका रूम रहेगा पहला और यहाँ पर बाथरूम रहेगा, बाथरूम देखिए
नीचे के पोर्शन से ये वाला ऊपर के पोर्शन का बाथरूम जो है थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पर नीचे टैप टूटी शावर्स वगैरह सारे ब्रांडेड कंपनी के ही लगाकर दिए जाएंगे दोस्तों। और उसके बाद इंग्लिश पॉट इंडियन पॉट आप अपनी मर्जी से लगवा सकते हैं। टाइलिंग एंड टू एंड रहने वाली है, हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल लगाई गई है दोस्तों। इस पॉइंट में आपका जो है गीजर की पॉइंट की फिटिंग आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपका बोर्ड यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर इस पोर्शन में एक विंडो मिल जाती है जो कि आपके वेंटिलेशन के लिए होना बहुत जरूरी है। अब दिखाते हैं आपको हमारा सबसे पहले किचन। तो किचन इस पोर्शन में देखेंगे, नीचे के पोर्शन से ऊपर का किचन मैंने हमेशा बढ़ाया आपको बड़ा रहेगा दोस्तों। बेडरूम सेम रहेंगे लेकिन किचन, लिविंग एरिया, बाथरूम वगैरह वो थोड़ा सा बड़ा ही आपको देखने को मिलेगा। फ्रिज का स्पेस अलग से दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप अपना एक फ्रिज रखना चाहते हैं तो बड़े साइज का फ्रिज, बड़े साइज का फ्रिज रख सकते हैं जिसकी हाइट भी काफी अच्छी हो और चौड़ाई भी अच्छी हो। तो अच्छा खासा बड़ा लंबा चौड़ा फ्रिज भी आप यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। देन उसके बाद बात कर लें तो यहाँ पर इस पोर्शन में नजर लगाइए तो यहाँ पर आपको इंटरकॉम की फैसिलिटीज भी मिल जाती है दोस्तों, जहां से मैं इंडोर ऑपरेट कर पाएंगे। अब ऊपर का पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी किचन भी है वो भी गोल्डन शेड में रहेगी, व्हाइट और गोल्डन कलर का जो है कॉम्बिनेशन रहेगा। इसमें भी आपको गोल्डन कलर मिल जाता है दोस्तों। टैप्स वगैरह सारे ब्रांडेड कंपनी के यहाँ पर भी मिलेंगे। स्टील का सिंक आपको बर्तन धोने के लिए मिल जाता है। देन सामने पावर स्विचेस मिल जाते हैं, अगर कोई मिक्सी वगैरह यूज करते हैं तो उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है। डबल स्लैब आपका यहाँ पर रहेगा मार्बल का, गोल्डन मार्बल रहने वाला है, डबल स्लैब रहेगा, मजबूती काफी अच्छी रहने वाली है। और नीचे सारे बॉक्सेस मिल जाएंगे, आपका सामान वगैरह बर्तन वगैरह रखना चाहते हैं तो उसके लिए काफी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देन इस पोर्शन में चिमनी आपको लगाकर ही देंगे दोस्तों, चिमनी ब्रांडेड कंपनी की रहेगी, फोकस लैम्प ऊपर लगे हुए, किचन काफी खूबसूरत रहने वाली है जिसमें आपको देखिए व्हाइट ग्रे और गोल्डन कलर का शेड आपको यहाँ पर देखने को इस किचन के अंदर मिल जाता है। अब दिखाता हूँ आपका बैक का बेडरूम, फिर हम फ्रंट का देखेंगे। टीवी पैनल आपको हर जगह लगे हुए मिलेंगे, लिविंग एरिया के अंदर भी और उसके बाद आपके सारे बेडरूम के अंदर भी। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये हमारा बेडरूम है, यहाँ पर भी टीवी पैनल लगा हुआ मिल जाता है, दो शेल्स यहाँ पर लग जाते हैं आपके, नीचे दो ड्रॉर्स मिल जाते हैं आपको दोस्तों। इस साइड में आपको अलमीरा कवर मिल जाता है तो अलमीरा काफी बड़ी रहने वाली है, सेम जैसे नीचे की साइज में देखा था तो इसकी जो हाइट है यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, 2.5 फीट गहरी रहने वाली मैंने आपको बताया था। नीचे इसमें ड्रॉर ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ पर आप अपने जूते रखना चाहते हैं तो जूते रख सकते हैं। फॉल सीलिंग का डिजाइन आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों, जिसमें एलईडी और कोबलाइट कवर मिलेगा, कोबलाइट इसमें येलो और ब्लू रहने वाली है, एलईडी इसमें येलो कलर की रहेगी। और ठीक सामने जहां पर आपका बेडरूम है, ठीक सामने बिल्कुल जहां पर आपका बेड आना है वहां पर बैक साइड में कस्टमाइज वॉलपेपर आपको मिलता है दोस्तों, 3D लुक में रहने वाला है। तो यहाँ पर स्प्लिट एसी का प्रोविजन आपको मिल जाता है, अंडरग्राउंड फिटिंग पूरी हमारी स्प्लिट एसी की दोस्तों यहाँ पर रहने वाली है। और नीचे गोल्डन शेड में हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल का वर्क यहाँ पर भी दोस्तों देखने को मिलता है, जो कि 2x4 में रहने वाली है। इसकी जो बेडरूम की जो अगर चौड़ाई लंबाई की बात करूं तो ये 10 फीट चौड़ा रहने वाला है और 14 फीट लंबा रहने वाला है, 10x14 का समथिंग हमारा ये बेडरूम रहेगा दोस्तों, काफी लंबा चौड़ा रहने वाला है। डबल बेड लगाने के बाद भी काफी स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ आ जाता है इस पोर्शन में आपका जो है थर्ड बेडरूम। नीचे का फर्स्ट हो गया, ऊपर का सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और दो हॉल आपके हो गए दोस्तों और दो किचन आपके हो गए। यहाँ पर ये मास्टर बेडरूम रहेगा, इसमें बाथरूम अटैच मिल जाता है आपको दोस्तों। यहाँ पर भी आप डबल बेड लगा सकते हैं, 6x6 का डबल बेड लगाने के बाद आपको जो है काफी अच्छा स्पेस साइड में देखने को मिलेगा, जिसमें आप वॉकिंग आराम से कर सकते हैं। ठीक सामने जहाँ बेडरूम रहेगा वहां पर सामने एक टीवी पैनल लगा दिया गया जो कि वुडन में रहेगा, दो शेल्स यहाँ पर भी मिल जाते हैं, नीचे एक शेल्स मिल जाते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है टीवी चलाने के लिए, काफी बड़े साइज का आप अपना एलईडी चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं, इतना स्पेस आपको मिलेगा क्योंकि बड़ा टीवी पैनल है। ठीक सामने आपको यहाँ पर 3D लुक में वॉलपेपर मिल जाएगा जो कि व्हाइट और गोल्डन शेड में ये भी रहने वाला है। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि पूरा एक गोल्डन लुक इस हाउस को दी गई है दोस्तों, कि अभी कभी भी आपका कोई गेस्ट घर में आता है तो गोल्डन शेड देख के घर में बहुत ही खुश होगा क्योंकि घर काफी खूबसूरत रहने वाला है दोस्तों। अभी यहाँ पर झूमर वगैरह नहीं लगाए हैं, झूमर वगैरह लगा दिए जाते, फैन लगा दिए जाते तो ये हाउस और भी ज्यादा खूबसूरत लगने वाला था दोस्तों। फॉल सीलिंग का डिजाइन आपको जो यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर भी एक यूनिक स्टाइल में तैयार किया गया, बेहद खूबसूरत फॉल सीलिंग का डिजाइन मिलता है जिसमें आपको कोबलाइट येलो मिलेगी और आपकी एलईडी भी येलो कलर में मिलेगी। मास्टर बेडरूम है तो यहाँ पर वॉशरूम होना बहुत जरूरी है दोस्तों, तो यहाँ पर भी वॉशरूम आपको टैप टूटी शार्स वगैरह सारे ब्रांडेड कंपनी के लगा कर देंगे दोस्तों। टाइल आप देखेंगे तो ग्रे और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में टाइल दिखी है और नीचे फ्लोरिंग पर भी आपको डिजाइनर टाइल मिल जाती है दोस्तों। पॉट आप चाहे तो इंग्लिश हो इंडियन हो अपनी मर्जी से लगवा सकते हैं और वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सामने यहाँ पर विंडो दी गई है, एग्जॉस्ट का ऑप्शन भी है, एग्जॉस्ट लगाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एग्जॉस्ट भी लगा पाएंगे। अब आपको बालकनी दिखा देते हैं, तो यहाँ पर बालकनी का ऑप्शन भी मिल जाता है दोस्तों। देखिए ये हमारी बालकनी रहेगी, आ जाइए एक बार बालकनी पे नजर मारिए। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूं अपनी बालकनी में, ये हमारा बालकनी एरिया रहेगा। नीचे फ्लोरिंग में आपको ग्रेनाइट मार्बल वर्क मिलता है दोस्तों। देन साइड में आप देखेंगे तो आपको एक MS की ग्रिल मिल जाती है, काफी अच्छी सुंदर डिजाइनिंग की। और मैंने आपको बताया था फ्रंट के एलिवेशन पर पूरा टाइल मिलेगा, एंड टू एंड टाइलिंग मिलेगी, तो यहाँ पर भी आपको पूरी एंड टू एंड टाइलिंग वर्क दोस्तों देखने को मिलेगा। देन ऊपर एक आपको जो है डिजाइनर ट्यूबलाइट दोस्तों
अच्छी खासी देखने को मिलती है। देन यहाँ पर अपना वॉशिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं क्योंकि पावर स्विच दिया गया है इस पोर्शन में दोस्तों, टैप का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो चाहे तो यहाँ पर अपना एज ए वॉशिंग एरिया इस एरिया को यूज कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन लगाकर यहाँ पर अपने घर के जो कपड़े वो धोना चाहते हैं धो सकते हैं दोस्तों। प्राइस काफी अच्छा रहने वाला है दोस्तों। अब इसका जो प्राइस है प्राइस बताते हैं, देन उसके बाद रूफ है, रूफ आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों अभी रूफ पर जाने से पहले हम लोग एक चीज आपको दिखाते हैं कि वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो दी गई है दोस्तों, जिसमें अंदर की साइड में ग्रिल का वर्क है और आउट साइड में आपको जो विंडो के साथ इसमें ग्लास वर्क मिल जाता है, और पूरी अपनी जो स्टेयर रहने वाली है उसके अंदर आपको सारा ग्रेनाइट का मार्बल दोस्तों लगा कर दिया जाता है। एसएस की ग्रिल मैंने आपको बताया कि यहाँ तक पूरी पूरी टॉप तक आपको ग्राउंड से लेके पूरी टॉप तक यहाँ पर लगा कर देंगे। इस पोर्शन में आपका जो है इन्वर्टर का कनेक्शन लग जाएगा, पावर स्विच यहाँ पर दोनों दे दिए गए हैं दोस्तों, लाइटिंग ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस पोर्शन में एक लाइट दी गई है दोस्तों, एक बार नजर लगा दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइट का ऑप्शन रहने वाला है। तो नेचुरल लाइट तो वैसे सामने से भी आने वाली है, बट यहाँ पर अलग से एक लाइट का ऑप्शन दोस्तों इस पोर्शन में दे दिया गया आपको। अब रूफ के ऊपर है तो दोस्तों रूफ देखिए, काफी अच्छी बड़ी रूफ आपको मिलती है। एक बार रूफ की जो है लेंथ दिखाइए, एक बार लेंथ दिखाइए, रूफ की जो लेंथ काफी बड़ी रहने वाली है आप देखिए। तो यहाँ पर अगर इसकी अगर मैं साइज की बात कर लूँ तो दोस्तों साइज काफी अच्छा आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा, 15x36 का साइज आपको देखने को मिलता है। 60 गज का इंडिपेंडेंट हाउस है, 36 फीट ये लंबा रहने वाला है और 15 फीट चौड़ा रहने वाला है। पूरी रूफ के ऊपर टाइल वर्क मिलता है दोस्तों, इतनी बड़ी रूफ है कि अपना छोटा मोटा फंक्शन है अगर अपने घर के अंदर कर सकते हैं, छोटी मोटी गैदरिंग 50 से 60 बंदों की 70 बंदों की गैदरिंग अपने घर के अंदर कर सकते हैं, कुछ भी हो, पूजा हो, घर में बर्थडे हो, कोई भी सेलिब्रेट करना हो तो अपने रूफ के ऊपर कर सकते हैं, इतना स्पेस आपको मिल जाता है। शाफ्ट मैंने आपको नीचे किसी रूम में वगैरह में दिखाई नहीं, तो दोस्तों शाफ्ट का प्रोविजन आपको मिलता है देखिए यहाँ पर शाफ्ट, यहाँ पर एनुअली सारी हाउस की जो है वेंटिलेशन प्रॉपर आपकी यहाँ से पास होने वाली है। और ऊपर दो टैंक आपको 500-500 लीटर के मिल जाते हैं दोस्तों, एक बार इधर से आइए यहाँ से नजर लगाइए, तो 500-500 लीटर के दो टैंक आपको यहाँ पर इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं दोस्तों। 60 गज का ये जड़ से मकान है, प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, रजिस्टर्ड है, लोनेबल है, फ्री होल्ड है, फैसिलिटी सारी है। 72 लाख रुपए में, 72 लाख रुपए में आपको ये हाउस देखने को मिलेगा दोस्तों, सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम रिहाइश करने में बिल्कुल नहीं होने वाली है क्योंकि कनेक्टिविटी सब जगह मिलेगी, हॉस्पिटल्स, बैंक, एटीएम, जिम, स्कूल, मार्केट, सारी फैसिलिटीज मिल जाती है दोस्तों। ग्रोसरीज मार्केट आपकी काफी नियर बाय रहने वाले, स्कूल्स वगैरह सब पास में रहने वाले, बिल्कुल 50 से 100 मीटर के दायरे में दोस्तों। कनेक्टिविटी, ऑटो, ई रिक्शाज वगैरह, वो सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हमारा ये इंडिपेंडेंट हाउस रहेगा दोस्तों, 60 गज का, बेहद खूबसूरत यही मकान। सेम हमने आपको जो है बिल्कुल ऐसा डिट्टो सेम आपको जो है कुछ टाइम पहले दिखाया था, जिसमें 10-15 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी, सेम वही हाउस आपको दोबारा दिखा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दो मकान एक जैसे बिल्कुल बनाकर तैयार किए गए हैं, तो हमने सोचा कि सबसे पहले आप तक जो है शेयर कीजिए ये हाउस वीडियो की। तो दोस्तों काफी खूबसूरत मकान है, सारी फैसिलिटी के साथ है, कोई भी क्वारी तो क्या करना है, सिर्फ सामने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना है दोस्तों। मैं आशा करता हूं वीडियो बहुत पसंद आएगी दोस्तों, बिल्कुल भी देर न करें, जी हाँ बिल्कुल भी देर न करें, जल्द से नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, अपने मकान पर विजिट करें, अपने गृह प्रवेश की दोस्तों तैयारी करें। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।